हेलो एवरीवन अगेन वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक इसको छोड़ा था आज हम उधी उधर से ही कॉन्टिन्यू करते हैं ठीक है हम ये टॉपिक कर रहे थे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल ठीक है अब हमको इसमें क्या करना है इसका फर्स्ट स्टेप है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप कि जो भी हमारे शिप होते हैं उनकी रेयरिंग और ब्रीडिंग कैसे होती है इफ़ यू ट्रैवल टू दी हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और दी प्लेन्स ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात ठीक है ये सारी जगहें हैं जहाँ पे मेन हमारा रेरिंग और ब्रीडिंग होती है शीप की तो उधर वो क्या कह रहे हैं यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग शेफर्ड्स क्या होते हैं मेन वो लोग होते हैं जो हमारी शीप का ध्यान रखते हैं जो उनका पालन पोषण करते हैं हर्ड्स मतलब क्या है हमारा ग्रुप ऑफ शीप ठीक है उनको वो किस लिए लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए ठीक है शीप आर हर्बी वॉलर्स हर्बी यानी कि वो एनिमल्स जो केवल ग्रास खाते हैं ठीक है ना ग्रास सीटिंग एनिमल्स जो होते हैं हमारे एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स वो जो हमारे शीप होते हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं खाने के लिए हमारी जो ग्रास होती है या फिर जो हमारी लीव्स होती हैं उनको ठीक है आगे ये इधर हमसे क्या कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप There also feed them on a mixture of pulses corn jowar oil cakes and मिनरल्स अब जो भी हमारे ये जो शफर्ड्स होते हैं ये इन शीप को घास भूस खिलाने के अलावा और क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं मिक्सचर यानी कि ये इन सारी चीज चीज़ों को मिक्स कर देते हैं किन किन चीज़ों को पल्सिस को यानि कि हमारे दालों को कॉर्न यानी कि भुट्टा जवार ऑयल केक्स ऑयल केक्स क्या है मटीरियल लेफ आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स जो हमारे तेल जो हमारा ऑयल होता है उसके जो सीड्स होते हैं यानी कि उसका जो बीज होता है जब उससे हम ऑयल को निकाल लेते हैं उसके बाद जो भी हमारा मटेरियल बच जाता है उस मटेरियल से हम ऑयल केक्स बनाते हैं ठीक है ना वो भी उनको खाने के लिए दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है मिनरल्स ठीक है ये सारी चीज़ें शीप को खाने के लिए दी जाती हैं इन विंटर शीप आर कैप्ड इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फूडर्स अब ठंडियों के टाइम पे क्या होता है कि जो शीप होते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता वो अंदर रहती है मोस्टली ठीक है और उनको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं लीव्स दी जा दी जाती हैं ग्रेन्स दी जाते हैं या फिर ड्राई फूडर दिया जाता है ठीक है आगे इसमें हमसे क्या कह रहा है शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल्ड कि जो शीप होते हैं उनको उनके हेयर से वूल बनाने के लिए हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको उसकी रेयरिंग की जाती है ठीक है टेबल थ्री पॉइंट वन गिव्स दी नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल अब हमको इधर ये टेबल गिवन है थ्री पॉइंट वन इस टेबल में हमको ये बताया गया है कि जो हमारी शीप होती है उसकी कौन सी ब्रीड हमारे जो कंट्री है इंडिया उसकी कौन सी स्टेट में यूज़ की जाती है रेयरिंग के लिए और उससे हमको किस क्वालिटी की वूल मिलती है ठीक है जैसे हमारी जो फर्स्ट ब्रीड है वो है लोही लोही कहाँ पे पाई जाती है हमारी राजस्थान और पंजाब में ठीक है इससे हमको कौन सी क्वालिटी का वूल मिलता है गुड क्वालिटी ऑफ वूल ठीक है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमको इससे वूल मिलता है नेक्स्ट है हमारा रामपुर बुशेर ठीक है ये भी हमारी एक ब्रीड है शीप की ये हमको कहाँ पे मिलती है उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में ठीक है इससे हमको ब्राउन फ्लीस यानी कि ब्राउन कलर के हेयर मिलते हैं हमको इससे हम जो ब्राउन कलर की ऊन होती है वो हम बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारी ब्रीड है नाली ठीक है सोई नली ये हमको कहाँ पे मिलती है राजस्थान में हरियाणा में और पंजाब में ठीक है इससे हमको कारपेट वूल मिलती है कारपेट वूल कौन सी होती है कि हम कि विंटर्स के टाइम पे मार्केट में हमको कुछ कारपेट मिलते हैं और वो कारपेट हमारे किससे बने हुए होते हैं वूल से बने होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारी कौन सी ब्रीड है बकरवल भकरवल हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और इस ब्रीड की जो शीप होती है इनके बालों से हम क्या बनाते हैं वुलन शॉल्स बनाते हैं ठीक है ठीके? जिनको हम सर्दियों में जिन शॉल्स को हम ओढ़ते हैं वो शॉल हमारी भकरवल ब्रीड से बनाए जाते हैं नेक्स्ट ब्रीड है हमारी मारवाड़ी ये हमको कहाँ पे मिलती है गुजरात में और इससे हमारा कोस वूल बनता है ठीक है एंड द लास्ट ब्रीड इज़ पटनवाड़ी ये हमको गुजरात में मिलती है इससे हम होजरी जो जो भी हमारे होजरी के कपड़े होते हैं वो हम इस ब्रीड के हेयर से बनाते हैं ठीक है ठीके? अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं क्या कह ये हमसे आगे द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ़ द फाइबर्स आर ऑबटेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल कि इस टेबल में ये भी बताया गया है कि हमको किस क्वालिटी का वूल मिलेगा जो हम अभी पढ़ चुके हैं सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ़ हेयर ऑन देअ बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ अब जो शीप होती है उसकी जो अलग अलग ब्रीड होती है तो उनकी बॉडी में थिक अमाउंट में जो हेयर होते हैं उसकी कोटिंग होती है ठीक है इसके वजह से हमको जो वूल होती है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है जितने थिक बाल होंगे उस शीप के बॉडी में उतना अच्छा क्वालिटी होगी उस वूल की ठीक है आगे क्या बोला गया है इसमें दीज शीप आज सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बींग अ शेप ऑफ गुड ब्रीड आप जैसे कि हमने इसके लास्ट वीडियो में हमने ये बात पढ़ी थी कि इसमें हम लोग पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ठीक है हम पेरेंट्स को किस लिए सिलेक्ट करते हैं ताकि जो भी हमारे न्यू वनस आए यानी कि जो भी उनके बेबीज़ होंगे वो एक अच्छी ब्रीड के हों ठीक है ना अच्छे ब्रीड का होने का मतलब यह कि उनकी बॉडी में जो हेयर है उसकी जो अमाउंट हो वो ज़्यादा हो यानि कि वो हेयर कैसे हो हमारे थिक हो ठीक है इसके लिए क्या किया जाता है कि जब भी पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें से एक पेरेंट्स ऐसा लिया जाता है जो गुड ब्रीड का हो गुड ब्रीड यानी कि जिनके बाल थोड़े से थिक हो ठीक है ताकि जो बच्चा है उसमें पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स आए ठीक है आगे इसमें क्या कह रहा है वंस द रेयर शेप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ़ हेयर हेयर इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल और जब किसी भी शीप की बॉडी में जो ग्रोथ होती है हेयर की वो थिक हो जाती है यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है उसके हेयर में उसकी बॉडी में हेयर की तब उसके बॉडी से उन हेयर को रेड किया जाता है यानी कि उसकी बॉडी से उन हेयर को शेव्ड ऑफ़ किया जाता है यानी कि निकाला जाता है उसकी बॉडी से उन हेयर को ताकि वो उसको वूल बनाने के लिए यूज़ कर सके ठीक है आगे क्या बोला गया है इसमें हमसे प्रोसेसिंग फाइबर्स इन वूल अब अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि भाई उसके बॉडी से कैसे निकाला जाता है कि मतलब कौन कौन सी उसकी ब्रीड होती हैं किस ब्रीड से हमको किस क्वालिटी का वूल मिलता है कौन सी ब्रीड हमारी कहाँ पे पाई जाती है अब हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि, कि ये पूरा प्रोसेस मेनली होता कैसे है ठीक है द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वाल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स अब वो इधर क्या कह रहे हैं कि वो ऊन जिस ऊन से हम स्वेटर बुनते हैं ठीक है या फिर जिनसे हमारा शॉल बनता है ठीक है इज़ दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस वो हमको कैसे मिलता है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमको वो एक स्वेटर मिल पाता है या फिर हमको वो एक शॉल मिल पाता है ठीक है ना तो अभी हमको वो पूरा प्रोसेस बताएंगे तो हमारे इसमें स्टेप वन क्या है द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमोव सॉमिट्स बॉडी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग अब क्या होता है कि जो भी शीप होता है उसकी बॉडी से वो जो थिन लेयर होती है हेयर की वो उसकी स्किन से हटाई जाती है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है शेयरिंग ठीक है मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बाबर्स एंड यूज टू शेव ऑफ हेयर अब उन उनकी जो बॉडी में जिस टाइप के हेयर होते हैं उसी हिसाब से वो मशीन्स भी यूज़ करते हैं कि भाई किसी के कुछ ज़्यादा थिक हेयर है तो थोड़ी सी बड़ी मशीन चाहिए ठीक है ना उसी के अकॉर्डिंग वो लोग मशीन्स भी यूज़ करते हैं जो बाबर होते हैं बाबर्स जो होते हैं ठीक है यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर अधिकतर क्या होता है कि जो हमारा गर्मियों का मौसम होता है उसमें उनके बाल हटाए जाते हैं क्यों क्योंकि ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी कि जो भी शीप होते हैं उनके बॉडी में जो हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं एयर को ट्रैप करने की वजह से उन उनको गर्मी लगती है ठीक है तो गर्मी मेन हमको ठंडी के सीज़न में, चाहिए, के सीजन में चाहिए होती है ठंडी के सीज़न में हमको गर्म एयर चाहिए होती है हॉटनेस चाहिए होती है इसलिए मेनली ठंडी के सीज़न में विंटर सीजन में उनकी बॉडी से वो बालों को नहीं हटाया जाता है ठीक है जो हमारा हॉट वेदर होता है यानी कि हमारा जो समर सीज़न होता है ठीक उस है उसमें उनकी बॉडी से हटाए जाते हैं ये बाल ठीक है आगे हमसे क्या कह रहा हैं दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर इसके वजह से क्या होता है कि जो शीप होते हैं उन उनकी बॉडी में जो उनके हेयर होते हैं वो उनके एक प्रोटेक्टिव कोट होते हैं यानी कि वो उनकी रक्षा के लिए होते हैं क्यों क्योंकि उनको इससे गर्मी मिलती है तो अगर हम गर्मियों के टाइम पे उनके बॉडी से वो हेयर हटा देंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो तब भी सर्वाइव कर पाएंगी बट अगर हम ठंडियों के टाइम पे उनकी बॉडी से वो प्रोटेक्टिव लेयर जो उनके हेयर है अगर हम उनको हटाएंगे तो उनको सर्वाइव करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी ठीक है द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स अब वो जो हेयर है उससे हम हमारा क्या बनेगा वुलन फाइबर्स बनेंगे ठीक है वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑप्टेन वुलन यान अब वो जो वुलन फाइबर है वो आगे के प्रोसेस में के लिए जाएगा और उससे हमारा क्या बनेगा वुलन यान बनेगा शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप जस्ट एज़ इट डज नॉट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेवस हिज बियड अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई जब हम लोग शेप के बॉडी से हेयर हटाते हैं तो उनको दर्द होता होगा उनको दुख होता होगा मगर ऐसा कुछ नहीं होता जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपना हेयर कट करवाते हैं या फिर जैसे हमारे जो फादर्स हैं ब्रदर हैं वो लोग शेविंग करते हैं जैसे उसी तरीके से ये जो एनिमल्स हैं ये भी उन उनके लिए एक शेविंग के ही तरह है ठीक है डू यू नो वाई अब आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है यानी कि जो सबसे बाहरी परत होती है स्किन की जो हमको शो होती है वो हमारी डेड होती है डेड यानी कि वो स्किन हमारी बेकार होती है ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज़ योर हेयर डज और जो दूसरी बात क्या होती है कि जो भी शीप के हेयर होते हैं वो दोबारा से रीग्रोथ हो जाते हैं जैसे हमारे बाल वापस आ जाते हैं वैसे शीप के भी बाल वापस आ जाते हैं ठीक है आगे इसमें क्या है स्टेप टू है ठीक है स्टेप टू में वो क्या कह रहा है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट अब क्या होता है दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग अब क्या होता है जो भी बाल हमने उस शीप की बॉडी से निकाले हैं उनको अच्छे से टैंक्स में पानी भर के धो लिया जाता है ताकि उन बालों में अगर कोई भी हमारी ग्रीस डर्ट डस्ट कोई भी अगर गंदगी रही हो मिट्टी थी घास फूस था तो वो सब हमारा हट जाएगा ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्कोरिंग ठीक है नाव अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स मगर अब के टाइम पे जो स्कोरिंग है वो कहाँ पे होती है मशीन्स में होती है ठीक है फिगर थ्री पॉइंट एट का बी एंड सी में गिवन है हम एक बार ये देख लेते हैं देखो यदि फिगर थ्री पॉइंट एट का ए पार्ट ठीक है इसमें क्या होता है कि भाई शेयरिंग ऑफ़ शीप की जो शीप है उसके बालों को निकाला जा रहा है ठीक है फिगर थ्री पॉइंट एट के बी पार्ट में क्या है स्कोरिंग इन टैंक्स ठीक है कि पहले क्या होता था कि पहले जो ह्यूमन बींग्स होते थे वही ये काम करते थे ठीक है ना बट अब के टाइम भी ये काम मशीन्स के थ्रू होने लग गया है तो जब ह्यूमन बींग्स करते थे तब वो कैसे करते थे कि एक टैंक में वो लोग लो पानी भर लेते थे और उसी में वो लोग शीप के बाल डाल देते थे और फिर उसको धोने लगते थे ठीक है और अब के टाइम पे जो ये काम मशीन से होने लग गया है तो देखो ये ऐसे हो रहा है स्कोरिंग बाय मशीन्स कि देखो मशीन्स में वो उस, उसके जो बाल हैं वो डाल दिए गए हैं और फिर वो अब धुलते जा रहे हैं धुलते जा रहे हैं इधर क्या है थ्री पॉइंट एट का डी पार्ट रोलिंग इनटू टू यान इसके बारे में हम लोग आगे के स्टेप्स में पढ़ेंगे ठीक है अब हमारा क्या है स्टेप थ्री स्टेप थ्री में वो क्या कह रहा है आफ्टर स्कोरिंग सोटिंग इज़ डन स्कोरिंग के बाद क्या होता है हमारा सोटिंग द हेयर स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर आर सेपरेटेड और सोटेड अब हमारा क्या होता है कि पहले जितनी भी शीप थी सबके बालों को लिया और सबके बालों को मशीन में डाल दिया साफ़ करने के लिए उसके बाद हमारा स्टेप थ्री में क्या होगा कि उनके जितने भी बाल थे जो अलग अलग टाइप्स के जो बाल थे कि हर ब्रीड के अलग अलग टाइप्स के बाल हमको ऑप्टेन उप, होते हैं और उनसे हम हमारी अलग टाइप की वूल बनती है ठीक है तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि उनके जितने भी बाल थे अलग अलग टेक्सचर्स को सेपरेट करते गए वो कि ये भाई इस टाइप के बाल हैं इसको अलग सेपरेट कर दिया ये इस टाइप के बाल हैं इसको अलग सेपरेट कर दिया ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सोर्टिंग ठीक है सॉर्टिंग बोलते हैं स्टेप फोर में वो हमसे क्या कहता है द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर अब हमारे जो हेयर होते हैं उनमें कुछ कुछ स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स हो जाते हैं ठीक है उन फाइबर्स को हटाया जाता है ठीक है उन फाइबर्स को क्या बोला जाता है बर्स उनको हटाया जाता है दीज आर सेम बर्स विच समाइम्स अपेयर ऑन योर ऑन योर स्वेटर कभी कभार हमारे स्वेटर्स में भी ये हो, हो जाते हैं जिनको हम लोएँ बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कि हमारे गर्मियों के सॉरी uh, ठंडियों के गर्मियों में ठंडियों uh, के कपड़ों में लोएँ उठ गए हैं ठीक है थीके? सेम उसी तरीके से उन उनके जो फाइबर्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ उठ जाती है और उनको हटाया जाता है ठीक है द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड उसके बाद उन फा, फाइबर्स को फिर से स्कोर्ड किया जाता है यानी कि उनको फिर से साफ किया जाता है और फिर उनको सूखाया जाता है दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स अब ये जो हमको वूल मिली है सूखने के बाद ये वूल अब हमारी रेडी है फाइबर बनने के लिए ठीक है स्टेप फाइव में वो क्या कह रहा है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स अब जो हमारे पास फाइबर ऑप्टेन हुई है उसको हम अलग अलग कलर में डाई कर लेते हैं ठीक है ना कि हमको भी डिफरेंट कलर्स की वूल मिलती है क्यों क्योंकि उन वूल को डाई किया जाता है एज दी नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोड्स इज़ ब्लैक ब्राउन एंड और वाइट और जो हमारी जो नेचुरल फ्लीस होती है यानी कि जो नेचुरल हेयर होता है शीप का उसका कलर क्या होता है ब्लैक ब्राउन और वाइट ठीक है तो फिर अगर हमको कोई भी अगर ब्लैक कलर की या फिर अगर ब्राउन या फिर अगर वाइट कलर की वूल चाहिए तो उसके लिए हमको डाई नहीं करना पड़ता है ठीक है स्टेप सिक्स में वो हमसे क्या कह रहे हैं द फाइबर्स आर स्ट्रेटन कॉम्ड एंड रोल्ड इंटू यन की वो जो फाइबर हमको ऑप्टेन किया गया है उसको कॉम किया जाता है कि भाई वो ठीक से एकदम स्ट्रेट हो जाए ठीक है और फिर उसको रोल किया जाता है इंटू वन यानी कि उसकी एक बॉल्स ही बना ली जाती है उसको रोल करके ठीक है द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इं टू वोल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉटर फाइबर्स आर स्पर्न एंड वोवन इंटू वुलन क्लोथ्स जो भी हमारे लॉन्गर वूल होता है उससे स्वेटर बना लिया जाता है और जो भी हमारे शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे हमारे वुलन क्लोथ्स बना लिए जाते हैं ठीक है आगे ये हमसे क्या कह रहे हैं आगे इन्होंने एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मींस ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री कि हमारी कंट्री में जो वूल इंडस्ट्री है वूल इंडस्ट्री यानि कि वो इंडस्ट्री जहाँ पर हमारा वूल बनता है वो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि जहने के लिए लोगों के खाने पीने के लिए वो एक मेन काम है कि भाई उस काम से लोगों को पैसा मिलता है जिससे उनकी ज़िंदियाँ चल रही तो ये काम हमारी कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है बट सॉर्टस जॉब इज रिस्की एज समाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई अ बैक्टीरियम एंथ्रैक्स विच कॉज अ फैटल ब्लड डिसीज़ कॉल सॉट डिजीज मगर जैसे कि अभी हमने बताया कि इधर हमारा एक स्टेप होता है सोटिंग का शोटिंग so, के स्टेप में क्या होता है कि एक कैमिकल uh, होता है जो डाला जाता है ठीक है ना जिसको हम एंथ्रैक्स बोलते हैं तो जो लोग सॉर्टिंग की जॉब करते हैं उनके लिए कभी कभार ये खतरनाक हो जाता है क्योंकि उस बैक्टीरिया से वो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं ठीक है ना और इसके वजह से उनको एक फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाती है जो लोग सॉर्टिंग का काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉटस डिसीज़ उनको उनका एक ब्लड डिसीज़ हो जाती है जिसको बोला जाता है सोटस डिसीज़ ठीक है सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल ऑक्यूपेशनल हज़र्स अब इस टाइ अब अगर इस टाइप के कोई भी हमको अगर रिस्क हो रहा है किसी भी वर्कर्स के साथ चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो वूल इंडस्ट्री हो चाहे कोई और इंडस्ट्री हो इस टाइप के रिस्क को हम क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्स ठीक है अब आगे हमको इधर एक एक्टिविटी दी हुई है और हमको एक नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सिल्क ठीक है सिल्क के बारे में हम लोग अपनी न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें